भारत पर मुस्लिम आक्रमण दो प्रकार के हुए। एक नंबर में अरब मुस्लिम आक्रमण हुए, दूसरे में तुर्की मुस्लिम आक्रमण हुए। अब भारत पर तुर्की मुसलमान आक्रमण, तो भारत पर दो तरह के मुसलमान आक्रमण किए, अरब और तुर्की। तो तुर्की मुसलमान आक्रमण में कौन कौन है? एक महमूद गजनवी है और एक मोहम्मद गौरी है। तो बताइए महमूद गजनवी के बारे में क्या क्या पढ़े हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। इसे हम लोग यामिनी वंश या गजनी साम्राज्य या गजनी वंश भी कहते हैं। अभी जो है ये गजनी अफगानिस्तान में है। कि हम लोग पढ़ते हैं इसको तुर्की मुसलमान में महमूद गजनवी को। तो महमूद गजनवी को पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ हम लोग बेसिक डिटेल जानते हैं। तो इस वंश को हम लोग यामिनी वंश या गजनी साम्राज्य या गजनी वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनका संस्थापक किसने किया था? अल्पतगीर ने किया था। कब किया था? 932 एडी में। हाँ, तो यामिनी वंश या गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। कब किया था? 932 एडी में किया था, ठीक है। तो अल्पतगीन ने या गजनी साम्राज्य की राजधानी जो कहाँ थी? गजनी में ही थी उस टाइम में। उस टाइम में गजनी जो था, अभी उस जगह में अफगानिस्तान है, एग्जैक्ट मान सकते हैं आप, ठीक है। तो उसको गजनी नहीं दे के अफगानिस्तान भी हो सकता है। हाँ हाँ तो ये भी हो सकता है। तो देखिए अल्पतगिन का फिर दामाद और गुलाम कौन था? सुबुक्तगिन था। पढ़े हैं ना, सब कोई पढ़े हैं। अल्पतगिन का कौन था? हाँ, अल्पतगिन का दामाद या गुलाम था सुबुक्तगिन। अब सुबुक्तगिन का जो है बेटा था महमूद गजनवी। तो हम लोग को ये चीज पढ़ना है। तो अब हम लोग थोड़ा सुबुक्तगिन के बारे में पढ़ते हैं। 977 एडी में सुबुक्तगिन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था। जयपाल कहाँ के शासक थे उस टाइम में? पंजाब के शासक थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ये भी है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? सुबुक्तगिन हो गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है। हाँ, आक्रमण किया था वो 977 ईस्वी में, प्रथम तुर्की आक्रमण। 977 एबी में सुबुक्तगिन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था, पंजाब का जो शासक था जयपाल। फिर दूसरा जो आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान इसीलिए सुबुक्तगिन हो गया। सुबुक्तगिन के बाद उसका बेटा आया कौन? महमूद गजनवी। अब हम लोग महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं। महमूद गजनवी को हम लोग गजनी भी कहते हैं। महमूद गजनवी को हम लोग गजनी भी कहते हैं। और महमूद गजनी अपने पिता के समय में कहाँ का शासक था? कुछ आइडिया है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खुरासान का शासक था। पढ़े है ना, बोलिए। महमूद गजनवी अपने पिता के समय खुरासान का शासक था। और महमूद गजनवी प्रथम सुल्तान बना। महमूद गजनवी कौन था? प्रथम सुल्तान था। हाँ, तो यहाँ पर सुल्तान के बारे में दो तरह का आता है। एक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, और एक यहाँ पर प्रथम सुल्तान कौन था। तो यहाँ पर महमूद गजनवी प्रथम सुल्तान था। महमूद गजनवी को दो उपाधि दिया था किसने? बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्ला ने। किसने दिया था? अल आदिर बिल्ला। वो कौन थे? बगदाद के खलीफा थे। उसने क्या क्या उपाधि दिया था? यामिन उद दौला और यामिन उल मिल्ला। महमूद गजनवी या गजनी भारत पर जो 17 बार आक्रमण किए उनके बारे में कोई इतिहासकार हैं वो बताए थे। कौन इतिहासकार हैं पता है? हेनरी इलियट, ये इतिहासकार बताए थे। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण जो हुआ कब हुआ? 1000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1000 ईस्वी में। और महमूद गजनवी जो भारत पर आक्रमण किए थे उनका आक्रमण करने का तीन कारण था। कारण है, एक नंबर में क्या है? धन की प्राप्ति करना। इसलिए ये सिर्फ लूटपाट करने के लिए भारत आते थे और अपना धन जमा करने के लिए ही भारत आते थे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को तीन कारण मिला, धन प्राप्ति करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, जिससे उसने जिहाद नाम दिया था। जिहाद नाम देने के कारण उसके सैनिक में बहुत सारे सैनिक मिल जाते थे। उसके बाद उसने सिर्फ भारत में आके लूटपाट किए, इसलिए 17 बार आक्रमण किए थे। और इसका दूसरा आक्रमण हुआ था कहाँ? 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरोध में।
तो जयपाल जब हार गया तो उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद इसका एक फेमस आक्रमण हुआ जिसका विरोध किया था कोई राजा डटकर, तो 1019 से 20 ईस्वी में कालिंजन अभियान हुआ था। कब? 1019 से 20 ईस्वी में कालिंजन अभियान। तो कालिंजर जो है ये अभियान क्यों फेमस रहा? क्योंकि उसमें शासक था चंदेल शासक विद्याधर, उसने सबसे पहले उसका विरोध किया था, प्रतिरोध। वही डटकर उसका प्रथम बार विरोध या प्रतिरोध किए थे, इसलिए ये फेमस ज्यादा हुए। ठीक है, उसके बाद महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण कहाँ हुआ था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। हाँ, ये महमूद गजनवी का सबसे फेमस आक्रमण है। कब हुआ था? 16वां आक्रमण था, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर। उसमें उसको सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि उसको 20 लाख दीनार मिले। ठीक है, और महमूद गजनवी का 17वां आक्रमण यानी कि लास्ट आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? जाटों के विरोध हुआ था। ये जो सौराष्ट्र सोमनाथ मंदिर में जो आक्रमण करके धन लूट लूट के लेके जा रहे थे ना, उसी टाइम में जाटों ने इस पे आक्रमण कर दिया था मोहम्मद गजनी पे, तो फिर से रिटर्न आए थे जाटों के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए। उसके बाद गजनी की मृत्यु हो गई 1030 ईस्वी में, और महमूद गजनवी के साथ चार साहित्यकार भारत आए थे, अल बरूनी, फिरदौसी, उदबी और बैहाकी। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अल बरूनी और फिरदौसी, इन दोनों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लेखक के बारे में पूछता है कि अलबरून जैसे कौन सा पुस्तक के लेखक हैं, फिरदौसी कौन सा लेखक है। पुराणों का अध्ययन जो किया था सबसे पहले वही अलबरूनी किया था। देखिए, महमूद गजनवी के बारे में ये है, एक ये भी इम्पोर्टेंट है, महमूद गजनवी अपने पिता के समय खुरासान का शासक था। उसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलता है? इतिहासकार हेनरी एलियट से मिलता है। तो सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किए थे जो अरब से आए थे। उसके बाद दूसरा नंबर पर मोहम्मद गजनवी थे जो तुर्की से आए थे, और तीसरा नंबर पर मोहम्मद गौरी थे। अरेंज करने के लिए दे सकते हैं, अब एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी को हम लोग बोल सकते हैं ये संसवानी वंश से थे। कौन से वंश थे? संसवानी वंश से। एक गौर प्रदेश से आए थे, गौर एक छोटा सा राज्य था, वहां से मोहम्मद गौरी आए थे। संसवानी वंश की स्थापना किसने की थी पता है? कुतुबुद्दीन हसन ने की थी। संसवानी वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन हसन ने। अब मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी का मूल नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। क्या नाम था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और एक नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। आवाज आ रही है? मोहम्मद गौरी का दो नाम था, एक नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, दूसरा नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। हाँ, मोहम्मद गौरी 1173 एडी में गजनी का शासक बना। मोहम्मद गौरी 1175 एडी में गोमल दर्रे से भारत या भारत में मुल्तान पर आक्रमण किया था प्रथम बार, उसमें जीता था। तो मोहम्मद गौरी क्या किया था 1175 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? किससे? खैबर और गोमल दर्रे से। कहाँ पर? मुल्तान पर आक्रमण किया था, जहाँ जीत लिया था। और मोहम्मद गौरी का भी आक्रमण के उद्देश्य तीन थे, धन की प्राप्ति, साम्राज्यवाद और इस्लाम का प्रचार करना। और मोहम्मद गौरी का 1178 में भारत में प्रथम पराजय हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि मोहम्मद गौरी को भारत में कब पराजय मिला था? 1178 में। किसके द्वारा? राजा भीम द्वितीय था, उसकी माँ नायिका देवी थी। वो कौन सा वंश से था? चालुक्य वंश से थे, और ये कहाँ के थे? गुजरात के थे। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोलिए, मोहम्मद गौरी प्रथम पराजय किसके साथ हुए थे? तो 1178 में राजा भीम द्वितीय के साथ। राजा भीम द्वितीय की माँ थी नायिका देवी, जो उसकी संरक्षिका थी। और ये राजा भीम द्वितीय नायिका देवी कौन से वंश से थे? चालुक्य वंश से थे, और ये कहाँ के थे? गुजरात के थे। और मोहम्मद गौरी 1191 में तरावीन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के समय में। ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है, 1191 में
कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ये इस भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम लोग पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी की। तो इसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे, मोहम्मद गौरी क्या हुए थे? हार गए थे। फिर मोहम्मद गौरी जाके तैयारी किए, उसके बाद फिर 1192 में दूसरी बार आक्रमण किए, तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। फिर किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें कौन जीते? फिर इसमें गौरी जीत गया, मोहम्मद गौरी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान सोचा था कि हम फर्स्ट टाइम तो हरा दिए हैं, इस बार भी आएगा तो हरा देंगे, लेकिन इस बार, एक मिनट, लेकिन इस बार जो मोहम्मद जो गौरी आए थे तो ये बहुत तैयारी करके आए थे, इसलिए 1192 में द्वितीय तराइन का युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हो गया और पृथ्वीराज तृतीय यानी के पृथ्वीराज द्वितीय को हरा दिए। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गौरी का एक और फेमस आक्रमण था 1194 ईस्वी में, चंदावर का युद्ध। ये भी पूछ देता है, जयचंद की हार हुई थी उसमें, किसकी? जयचंद की हार हुई थी। जब जयचंद की हार हुई थी 1194 में, चंदावर का युद्ध को जीता मोहम्मद गौरी ने, तो इस जीत की खुशी में क्या किया था? लक्ष्मी आकृति वाले सिक्के चलाए थे मोहम्मद गौरी ने, क्या किए थे? लक्ष्मी आकृति वाले सिक्के चलाए थे। उसके बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। यहाँ पर हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मोहम्मद गौरी फर्स्ट टाइम भारत में आक्रमण कब किए थे? 1175 एडी में। कहाँ? भारत में। कहाँ पर? मुल्तान पर, खैमर और गोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण किए थे और जीत लिए थे। उसके बाद मोहम्मद गौरी का ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे? तो 1178 में भारत में प्रथम पराजय हुआ था मोहम्मद गौरी, हुए थे किस राजा के साथ? तो राजा भीम द्वितीय के साथ, उसकी माँ थी नायिका देवी जो संरक्षिका थी। कौन से वंश से थे ये? राजा भीम द्वितीय चालुक्य वंश से थे और ये कहाँ के थे? गुजरात के थे। और मोहम्मद गौरी का 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ये डायरेक्ट परीक्षा में आता है, 1191 पूछ देता है, कभी कभी इस भी पूछता है, कभी कभी किसके बीच में युद्ध हुआ था ये पूछ लेता है। तो 1100 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय को ही हम लोग पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। फिर मोहम्मद गौरी दूसरी बार आया 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध में, तो पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज चौहान उसी का नाम है, गौरी विजयी हुए दूसरी बार में। फिर 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जयचंद की हार हुई थी। मोहम्मद गौरी का आखिरी आक्रमण भारत पर 1205 ईस्वी में था, 1206 ईस्वी में खोकर नामक लड़ाकू जनजाति ने इसकी हत्या कर दी थी। देखिए, इनका चार ही इम्पोर्टेंट है, 1191 ईस्वी तराइन का युद्ध, 1192 ईस्वी तराइन का द्वितीय युद्ध, 1194 ईस्वी चंदावर का युद्ध, उसके बाद 1175 ईस्वी, इसमें इसने क्या किया था? सैबर और गोमल दर्रे से भारत में मुल्तान पर आक्रमण किया था, इसलिए ये फेमस है। और ये 1178 ईस्वी में इसमें पराजय हुई थी मोहम्मद गौरी की, इसलिए ये भी फेमस है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1191, 1192, 1194 तराइन का युद्ध और चंदावर का युद्ध। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी 1206 ईस्वी में। आक्रमण मुल्तान के खिलाफ किया था भारत पर, दूसरा आक्रमण ये गुजरात के भीम शासक भीम के खिलाफ किया था 1178 ईस्वी में, और तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाया गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। द्वितीय युद्ध 1192 में फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही लड़ाया गया था, जिसमें फिर पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। उसके बाद जयचंद इसको इनवाइट करके मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ बुलाया था 1194 ईस्वी में, फिर जयचंद और मोहम्मद मोहम्मद गौरी के बीच गौरी। कन्नौज का चंदवार का युद्ध हुआ, हाँ, चंदावर, चंदवार का या चंदावर का युद्ध भी उसे हम लोग कहते कन्नौज पर हैं। कब्जा कर लिया मोहम्मद गौरी ने, बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है।
मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु हुई थी ना 1206 ईस्वी में, तो मोहम्मद गौरी के चार गुलाम थे। चार गुलाम में फर्स्ट गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको लाहौर और दिल्ली का राज्य मिला था। दूसरा नंबर का गुलाम था एल्दोज, जिसको गजनी का राज्य मिला था। तीसरा नंबर का गुलाम था कुआचा, जिसको कच्छ व सिंध का राज्य मिला था। चौथा नंबर में था बख्तियार खिलजी, जिसको बंगाल और बिहार का राज्य मिला था।